कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है बुमराह के साथ अश्विन जडेजा का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेट कर तोड़ा उनका गुरूर, तो आखिर जब मोमिनुल अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे, कैसे भारत की नाक कटने से बचाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कितने रनों पर ही निपट गई बांग्लादेश इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है, और दोस्तों पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है, तो वहीं दूसरे दिन तो एक ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला तीसरे दिन भी हालात कुछ ज्यादा सुधरे नहीं। हालांकि दोस्तों, मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहां पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक ये यहां पर सुपर सॉपर्स ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी दो दिनों का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया। तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा रखना चाहते थे। वही मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक ले आगे ले जाएं। पहले ओवर से ही रोहित ने बुमराह और आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया। हालांकि पहले पांच ओवर में तो उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, खिलाड़ी गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। नतीजा हुआ कि 40 ओवर में बांग्लादेश केवल 108 रन बना पाई थी। पिछले पांच ओवर में ये दोनों खिलाड़ी मुश्किल से एक रन जोड़ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चालाकी है, लेकिन बहुत जल्द बुमराह ने साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और इस बार 41वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई, तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन से पहली सफलता दिला दी। जहां मुशफिकुर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल ने चौका लगा दिया, तो लिटन दास तो मारो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया, तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत के विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की पांचवी गेंद पर भी लिटन दास ने एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर में लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो वहीं इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रोहित की भी कोई रणनीति काम नहीं आ पा रही थी। बुमराह और आकाशदीप अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को निपटाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में ग्लू की तरह चिपक गए थे। कभी सिंगल तो कभी चौका भारतीय फील्डर्स की भी मैदान में परेड हो रही थी, लेकिन तभी ऐसा लगा कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया। 46वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन शायद आज किस्मत बांग्लादेश पर मेहरबान थी। तभी तो जब रिव्यू में चेक किया गया तब पता चला कि गेंद तो मोमिनुल के बैट में लगी ही नहीं, और टीम इंडिया की विकेट की खुशियां पल भर में गायब हो गईं। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मोमिनुल हक ने न केवल शानदार चौका लगाया बल्कि अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले ही भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए था, उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी तो रोहित ने अपेज गेंदबाजों को नाकामयाब होते देखकर अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो पारी के 47वें ओवर में स्पिन के जादूगर सर रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाएगी यह किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, मोमिनुल ने तो जडेजा की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए पांचवी और छठी गेंद को चौके में तब्दील कर अपने खतरनाक तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे। भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाज ही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले सेशन तक बांग्लादेश के 6-7 बल्लेबाज आसानी से आउट हो सकते हैं और टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करेगी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर बैटिंग में उतार पाते हैं।
वहीं अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश को एक दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।